नमस्कार, आप देख रहे हैं द रॉयल न्यूज। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया के GMCH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, और यहाँ ये OPD सेंटर है। यहाँ पे OPD का जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ 3 काउंटर है, और कुछ लोगों के द्वारा अभी कहा गया कि आप हमारे पीछे देखेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ 3 काउंटर है, जिसमें एक महिला रजिस्ट्रेशन काउंटर है, 2 महिला रजिस्ट्रेशन काउंटर है और एक काउंटर है। इसमें कुछ पुर्जा नहीं चिपकाया गया है कि क्या चीज़ का ये काउंटर है, कुछ भी पोस्टर यहाँ नहीं चिपकाया। और यहाँ देख रहे होंगे ये खाली दिखाया जा रहा है, अभी ये खाली है। और लोगों का कहना है कि डेली जो है 1-2-3 घंटे के लिए यहाँ से गायब रहते हैं जो यहाँ के कर्मी हैं, उनका नाम वसीम बताया जा रहा है। अभी हम उनसे बात भी किए कि आप यहाँ से अपना काम छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी हम उनसे भी बात करेंगे, और OPD के जो इंचार्ज हैं उनसे हम इंचार्ज से जानते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ गायब रहते हैं इतने घंटे तक, बताइए। अब सर, वसीम आफ्ताब है, सो यहाँ से कुछ देर के लिए अपने किसी काम से गए हूँ। अभी आप लोगों ने बात किया, 5-7 मिनट में आ जाएंगे, उसके बाद उनसे आकर के पूछा जाएगा किस काम से वो जाते हैं। कुछ स्टाफ है यहाँ के, उनका कुछ स्टाफ यहाँ के जो है, उनका भी कहना है कि रोज का ये काम है इनका, 1-2-3 घंटे वो फिटनेस के काम से या कुछ और काम से बाहर रहते हैं, मतलब काउंटर छोड़ के। यहाँ लोग काउंटर पे खड़े रह जाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। और इससे पूर्व में लिखित भी दिया गया उसके खिलाफ कि वो मनमानी रवैया अपनाता है यहाँ पे, जो उनको ड्यूटी के समय यहाँ रहना चाहिए नहीं रहता है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर सर यही कहना है कि सर, हम जो मतलब इंचार्ज होने के नाते आप जो आएंगे काउंटर पर, उनको इस बात को ताकीद कर देंगे कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। अभी देखिए, आप दिखाएंगे काउंटर के तरफ किस तरह से महिलाएं और जो भी लोग हैं यहाँ पे नंबर लगाने के लिए आते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं, 1-1 घंटा लाइन में लगे रहना पड़ता है, फिर जाके इनका नंबर आता है डॉक्टर के पास। दिखा, ये OPD पर्ची काउंटर है, यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है मरीजों। यहाँ 3 काउंटर है, तीनों रजिस्ट्रेशन काउंटर है? 3 नहीं, टोटल यहाँ 4 काउंटर है। 4 काउंटर है, 1-2-3-4 काउंटर पे होता है। तो इस काउंटर पे जो आप काम करते हैं, कहा जा रहा है कि आप काम के वक्त जो है कुछ देर के लिए यहाँ डेली गायब हो जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए, आपके ही कुछ कर्मी स्टाफ का कहना है। अभी हमने जो यहाँ के OPD इंचार्ज हैं उनसे भी पूछा, वो भी बोले इससे पूर्व भी आवेदन दिया गया था आपके खिलाफ कि इस तरह से आप काम छोड़ कर चले जाते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं। कहा तो यही जा रहा है कि आवेदन भी दिया गया था अधीक्षक को कि आप यहाँ से गायब हो जाते हैं, क्या वजह है, कहाँ जाते हैं आप अपने काम के समय में? नहीं, हम कहीं नहीं जाते हैं, थोड़ा देर के लिए कहीं टॉयलेट करने गए या कहीं पेपर लाने गए या कहीं ऑफिस का, जैसे आज से चेंज हो गया टाइमिंग, ठीक है, आज जिससे अब OPD टाइमिंग जो है 2:30 से 4 भी हो गया है। कोई ये भी बोल रहा था कि आप फिटनेस के काम से चले जाते हैं यहाँ से बाहर? नहीं, मतलब यहाँ के काम के अलावा दूसरा काम में भी चले जाते हैं? दूसरा काम हम करते हैं। वसीम जी, अभी आप कहाँ गए? अभी कहाँ गए? अभी भी कुछ देर से आप गायब थे, लगभग आप हमारे सामने ही गाड़ी लेके आए हैं ऑफिस। हाँ, कहाँ? अभी हम ऑफिस गए, ऑफिस से निकले। किस ऑफिस गए? कौन से? अधीक्षक ऑफिस। अधीक्षक ऑफिस। हम इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे सदर अस्पताल की क्या है स्थिति, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की क्या है स्थिति। देखते रहिए द रॉयल न्यूज़।